खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 31 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक गिरीश पांडे ने कहा कि 31 तारीख को हल्द्वानी में भव्य रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर विश्व निर्माण करना चाहिए। 31 तारीख को होने वाली रैली के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नमूना, जिला संयोजक अंकित पाल, नीरज मिश्रा, सोनू बेलवाल, अंकित पलड़िया, अमन चौधरी, रोहित शर्मा, पंकज पांडे, विजय फरत्याल आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा पूर्ण प्रयास यह है कि मंचासीन जो भी अतिथिगण होंगे वो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हों। ये इस प्रकार का प्रयास है कि कोई भी समाज अछूता ना रहे। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि इसको भव्य बनाने के लिए हमने शहर के अधिक लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास किया है। सबसे यह अपील है, क्योंकि यह कार्यक्रम हिंदू समाज का कार्यक्रम है, तो सभी से इस प्रकार का निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना करें। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, उसी श्रृंखला में हल्द्वानी में 31 अगस्त को यह कार्यक्रम रखा गया है। गणपति बैंकेट हॉल से यात्रा हमारी शुरू होगी। सुबह 11 बजे से यज्ञ का आयोजन होगा इस कार्यक्रम में, और 11 बजे के बाद यज्ञ के बाद जो भी हमारे मुख्य वक्ता होंगे उनके द्वारा जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्य सार भर में किए जाते हैं वो उसका उद्बोधन किया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को कि विश्व हिंदू परिषद कैसे लोगों के समाज के बीच जाके कार्य करता है, ये सारा कुछ करता है। उसके बाद एक बाइक रैली का स्वरूप हमने इसको देना है। बाइक रैली अपनी गणपति बैंकेट हॉल से शुरू होगी, जो DC होते हुए नैनीताल रोड से सिंधी चौराहे पर पहुंचेगी, और वहां से DC वो HN स्कूल की तरफ मुड़ेगी, और वहां से सीधे ये यात्रा हमारी प्रयासाला होते हुए मुखानी चौराहे पर पहुँच के वापसी यहीं इसी बैंकेट हॉल में इस कार्यक्रम का समापन होगा।